वेलकम टू द चैनल शेफ शीरू। आज एक ऐसी सब्ज़ी बनाने जा रहे हैं जो अक्सर बच्चों को पसंद नहीं आती है। एक बार आप इस तरह से ट्राई करिए, हो सकता है आपके बच्चों को ये डिश ज़रूर पसंद आए। इंग्रेडिएंट्स के लिए कई सारे लोगों की कंप्लेंट आई है कि वीडियो देख के प्रॉपर समझ में नहीं आता है। सो इंग्रेडिएंट्स के लिए आप यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में प्रिपरेशन एंड इंग्रेडिएंट्स प्रॉपरली लिखे होते हैं, सो उसे प्लीज़ फॉलो करें। सिर्फ वीडियो देख करके थोड़ी कन्फ्यूजन्स कभी कभी हो जाती हैं। तो जैसा कि हम सारे इंग्रेडिएंट्स रेडी कर चुके हैं, इसमें मेन बैंगन को किस तरह से स्लिट करना है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। हाई फ्लेम में गैस लेके कढ़ाई चढ़ानी है, उसमें घी एज़ यूजुअल, सरसों का तेल धुआं उठने तक गर्म करना है, रॉनेस हट जाए। उसके बाद इसमें आलू और बैंगन डाल करके फ्राई करना है। फ्लेवर लाने के लिए इसमें हम ऐड करेंगे जीरा, राई और अजवाइन। हाई फ्लेम में फ्राई करना है इसे अच्छे से। ओरिगैनो फ्लेक्स डालेंगे ताकि टेस्ट थोड़ा बच्चों के हिसाब से और डेवलप हो। फ्राई होने के बाद आलू बैंगन साइड में निकाल करके हम बचे हुए ऑयल में गार्लिक जिंजर पेस्ट डालेंगे, देन गार्लिक क्लोव्स, अनियन, रेड होने तक इसे फ्राई करना है। पूरी प्याज अच्छी तरह से कैरमलाइज होनी जानी चाहिए, ठीक इस तरह। अब इसमें हम कटे हुए टमाटर डालेंगे, हल्दी, धनिया पाउडर, मीट मसाला, हींग, नमक, किचन किंग मसाला। अच्छे से मिक्स करना है, नीचे जलना नहीं चाहिए, इसके लिए हम इसमें एक बोल पानी डाल देंगे। फ्राई करना है इसे, तेल देखिए अलग दिख रहा है। अगर आपको लगे कि पानी की और आवश्यकता है तो डालें। उसके बाद जब तेल छूटने लगे तो इसमें हरी मिर्च कटी हुई, बारीक कटे धनिया पत्ती ऐड करें और स्टिर करके फ्राई करते रहें हाई फ्लेम में ही, बट ध्यान रखिए मसाला जलना नहीं चाहिए। तेल जब छूटता लगे तब इसमें डालना है हमें गरम मसाला और वाइट पेपर, देन ऐड करना है बैंगन और आलू। अच्छे से मिक्स करके फ्राई करना है, ब्लैक सॉल्ट डाल सकते हैं टेस्ट डेवलप करने के लिए, ऑप्शनल है। फ्राई करके मिक्स करना है अच्छे से और 5 मिनट तक इसे ढक्कन लगा के पकने देना है। अब फ्लेम को लो कर दें। 5 मिनट के बाद आप देख सकते हैं तेल छूटने लगा है, इसमें 1 बड़ा कप पानी डायरेक्ट डालना है, देन मिक्स करके लीड को बंद करना है, then 1/2 cup of water has to be added over the lid. This develops taste. वो आपको खाने में पता चलेगा। हाई फ्लेम में पकने दीजिए कम से कम 8-10 मिनट और देन उठा के लिड इसको चलाइए। देख सकते हैं बैगन अच्छी तरह से पक चुके हैं। लिड बंद कीजिए, गैस बंद कीजिए और 15 से 20 मिनट इसको बंद ही रहने दीजिए ताकि मसाले और फ्लेवर अच्छे से पूरी डिश में मिक्स हो जाएं। आपकी डिश तैयार है, शानदार लाजवाब बैंगन आलू मसाला। गार्निश करें कोरिएंडर लीव्स के साथ। इंजॉय करें पराठा, पूरी, रोटी, नान, दाल राइस के साथ बेस्ट टेस्ट आता है। इसी तरह हम आते रहेंगे और भी रेसिपीज़ लेकर के। सब्सक्राइब करें और शेयर करें चैनल अपने ग्रुप्स में। और अब तक आपका जो रिस्पॉन्स मिला है पूरे सोशल मीडिया में, उसका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू।